हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, सैमसंग जो है वापस से आ गया है गेम के अंदर। आप लोगों को पता होगा कितने सारे स्मार्टफोन इस टाइम पर लॉन्च हो रहे हैं और सैमसंग इस पूरे दौर के अंदर कैसे पीछे रहे। तो सैमसंग जो है अपना गैलेक्सी M30s जो है बिल्कुल टीज करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत से लोग जो है M30s के बारे में स्टोरीज डालना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली M30s के बारे में काफ़ी सारे र्यूमर्स एंड स्पेकुलेशन है कि ये फ़ोन इस तरीके का होगा, ये फ़ोन उस तरीके का होगा। और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर ली है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये सैमसंग गैलेक्सी M30s फाइनली होगा कैसा। सो गाइस, इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए सैमसंग ने डिसाइड करा है कि वो सितंबर में करेंगे। एंड यहाँ पे जो है इस फोन के एक रेंडर निकल के आया है सामने जो कि हूबहू लग रहा है कि लेजिट हो सकता है, मतलब कि ये ट्रू हो सकता है, ऐसा ही कुछ हमें फोन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो थोड़ा रीडिजाइन है ये फोन और जो कैमरा यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं। साइड से जो ग्रेडियंट डिजाइन है विद ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब यहाँ पे मेरे को ऑन लाइक इमेज देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो फोन होगा शायद मेटल या फिर प्लास्टिक का होगा। यहाँ पे ग्लास बॉडी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन अगर ये ग्लास बॉडी हो गई तो यार मजा ही अलग होगा। बट जितना मुझे देख के इस फोटो को ये पता चल रहा है कि ये फोन जो है प्लास्टिक या फिर मेटल बैक में ही होगा, ग्लास नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फोटो का, कुछ पता नहीं। देन यार इधर जो है कैमरास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैमसंग इस बार फोकस करने वाला है क्योंकि जितनी भी और कंपनीज हैं वो काफ़ी तगड़ा फोकस कर रही है कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों को 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलने वाला है इस बार रेयर के अंदर, जो कि प्राइमरी आप लोगों को वही सोनी का IMX586 सेंसर देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को पता ही कितना अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात रही सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन की कैमरा की, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सैमसंग ऑप्टिमाइज करता है अपने कैमरास को। तो देखते हैं अब ये जो 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन रहेगा M30s वो क्या सच में कारगर होगा। एंड यहाँ पे हम लोग को दो और कैमरा देखने को मिलते हैं जो कि शायद वाइड एंगल और एक टेलीस्कोप वाले सेंसर हो सकते हैं। तो यार काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ये वाला सेटअप हम लोग को इस फोन के अंदर देखने को मिलता है तो। एंड मुझे पता है गाइस, आप में से काफी सारे लोग पूछ लाइक अभी इस टाइम पर सोच में होंगे कि यार कौन सा प्रोसेसर होगा इस फोन के अंदर। तो भाई उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि भाई कुछ पता ही नहीं है। ये तो जब फोन के बारे में हम जितना क्लोज आते रहेंगे, जितना डेट के पास आते हैं उतना जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अभी इतना पता है कि इस फोन के अंदर आप लोगों को एक ह्यूमंगस बैटरी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि 6000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर बताई जा रही है कि आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो यार डिस्प्ले होगी इस फोन की, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इधर आप लोगों को एक M40 के अंदर आप लोगों को साइड वाली नॉच देखने को मिलती थी ना ओ टाइप्स वाली, वैसी कुछ इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या पता हम लोगों को सैमसंग कुछ फुल स्क्रीन वाला सिस्टम दे दे, लेकिन मुझे जो लगता है वो आप लोगों को M40 जैसी वो देगा कैमरा जो कि साइड में था छोटा सा बिंदु टाइप, तो वो कुछ हम लोग को डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है। बाकी ये जो फोन होगा यार, ये फोन आएगा 14,000 से लेकर 15,000 के रेंज के अंदर ही क्योंकि सैमसंग M30 को रिप्लेस करेगा। तो M30s बेसिकली इज अ बिगर वर्जन ऑफ इट। और आप लोगों को जैसे कि पता है कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो रहा है और अभी रेडमी नोट 8 प्रो भी आ चुका है चाइना के अंदर, 2 महीनों के अंदर हम लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएगा, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। तो उस हिसाब से देखते हुए ये जो सैमसंग का स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हम लोग को एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन देने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या एक्साइटेड हो इस फोन के लिए या नहीं। और अगर आज आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।